हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे स्टेज 2, 3 एंड 4 ऑफ प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि बात करता है ऑकरेंस रिपोर्ट की। और इस रिपोर्ट के बारे में काफी लोगों को नॉलेज नहीं होता है, पर अभी तक आप लोगों ने 8 Easy Steps to Learn Procedure of Investigation का वीडियो नहीं देखा है तो लॉ क्लासरूम के चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप ये वीडियो स्टेज 2, 3 एंड 4 समझने से पहले जरूर देखें। सो सेक्शन 157 का क्लॉज 1 इंट्रोड्यूस करता है ऑकरेंस रिपोर्ट को। ये कहता है कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है पुलिस ऑफिसर को कि एक ऑफेंस कमिट हो गया है, और वो ऐसा ऑफेंस है जो वो पुलिस ऑफिसर सेक्शन 156 के अंदर इन्वेस्टिगेट करने के लिए एम्पावर्ड है, तो वो उस ऑफेंस की एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उस रिपोर्ट को किसको भेज देगा, एक मैजिस्ट्रेट को। और वो मैजिस्ट्रेट ऐसा होना चाहिए जो उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड हो, और ऐसी रिपोर्ट भेजने के बाद वो पुलिस ऑफिसर खुद या कोई सबॉर्डिनेट ऑफिसर को डेप्यूट करके उस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है, या उस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को डिस्कवर कर सकता है, और या जो ऑफेंडर है उसकी अरेस्ट कर सकता है। तो यहाँ जो बात हुई है रिपोर्ट की, उसे ही हम कहते हैं ऑकरेंस रिपोर्ट। तो ऑकरेंस रिपोर्ट एक कंडीशन प्रेसिडेंट होती है, एक असेंशियल रिक्वायरमेंट होती है अगर पुलिस ऑफिसर को किसी भी ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करना है। ये तो बात हो गई कि जहां पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो ऑकरेंस रिपोर्ट बनाता है, पर जहां पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने से मना करता है तो ऐसी सिचुएशन में भी उसे ऑकरेंस रिपोर्ट बना के मैजिस्ट्रेट को भेजनी पड़ती है। तो सेक्शन 157 का प्रोविजो ऐसी दो सिचुएशंस बताता है जहां पे पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर सकता है। तो पहली ये, जहां पे इंफॉर्मेशन अक्यूज्ड के नाम से मिली है और वो केस ज्यादा सीरियस नेचर का नहीं है, और दूसरी सिचुएशन जहां पुलिस ऑफिसर को सफिशियंट ग्राउंड्स नहीं लगते इन्वेस्टिगेशन करने के, तो इन दोनों केसेस में पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करने से मना कर सकता है। पर सेक्शन 157 का क्लॉज 2 उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर दो कंडीशंस लगा देता है जहां वो इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर रहा है। पहली ये कि उसे उस ऑकरेंस रिपोर्ट में अपने रीजंस लिखना पड़ता है कि वो क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, और सेकेंड असेंशियल कंडीशन ये कि उसे इन्फॉर्मेंट को या उस पर्सन को जिसने FIR लिखवाई है, NCR लिखवाई है, उसे भी वो नोटिफाई करेगा, इन्फॉर्म करेगा कि वो क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है उस केस की। सो स्टेज 2 में हमने बात कर ली ऑकरेंस रिपोर्ट की प्रिपरेशन की, वो कैसे बनाया जाता है सेक्शन 157 के अंदर। फिर अब आती है थर्ड स्टेज, जहां पे उस ऑकरेंस रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है। तो सेक्शन 158 हमें बताता है कि एक सुपीरियर ऑफिसर जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, वो ऐसी रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। इसका रीजन ये है कि जो नॉर्मल पुलिस ऑफिसर है वो अपनी ड्यूटीज की वजह से उस ऑकरेंस रिपोर्ट को या उस FIR को मैजिस्ट्रेट तक पहुंचाने में देरी कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट ये होगा, जिसका परिणाम ये हो सकता है कि उस FIR की एविडेंटरी वैल्यू कम हो जाए। इसलिए उस सुपीरियर ऑफिसर का ये काम होता है कि वो जल्द से जल्द ऐसी ऑकरेंस रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट के पास भेजे। सो स्टेज 2 में ऑकरेंस रिपोर्ट प्रिपेयर कर ली गई। फिर स्टेज 3 में सेक्शन 158 के अंदर सुपीरियर ऑफिसर ने मैजिस्ट्रेट तक वो ऑकरेंस रिपोर्ट पहुंचा दी। फिर आती है बात स्टेज 4 की, जहां पे मैजिस्ट्रेट सेक्शन 159 के अंदर दिए गए 3 पावर्स यूज करता है। तो अगर पुलिस ऑफिसर ने सेक्शन 157 के प्रोविजो को यूज करके इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर दिया था, पर ऑकरेंस रिपोर्ट मिलने के बाद मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, उस केस में तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो वो सबसे पहली पावर यूज करता है कि वो इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्शन दे सकता है। फिर सेकेंड पावर ये कि वो कोई सबॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट करके उस केस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का डायरेक्शन दे देगा, और थर्ड पावर ये कि वो उस केस को खुद ही डिस्पोज ऑफ कर देगा। सो आइए समझते हैं प्रैक्टिकली ऑकरेंस रिपोर्ट होती क्या है। सबसे पहले इन रिलेशन ऑफ FIR, तो जब भी कोई FIR रजिस्टर होती है पुलिस स्टेशन में, तो ऑकरेंस रिपोर्ट उस FIR की कॉपी होती है, और उस कॉपी के नीचे ये सिग्निफाइड किया जाता है, उसके नीचे ये लिख दिया जाता है कि पुलिस ऑफिसर उस केस में इन्वेस्टिगेशन करने वाला है या नहीं करने वाला है। और इसको अगर हम समझे इन रिलेशन ऑफ NCR, तो आपको पता होगा कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जब तक मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स नहीं हो जाते तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता,
पर ऐसे केसेस में भी एनसीआर की एक कॉपी मैजिस्ट्रेट को भेजी जाती है और एक सेपरेट ऑकरेंस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट तक पहुंचाना एक असेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ एनसीआर। सो आइए समझते हैं कि ऑकरेंस रिपोर्ट बनाने का पर्पस क्या होता है, क्यों बनाई जाती है ऑकरेंस रिपोर्ट। तो मान लीजिए एक एफआईआर लॉज हुई पुलिस स्टेशन में और उसे जल्द से जल्द मैजिस्ट्रेट के पास नहीं भेजा गया और कुछ दिन तक वो एफआईआर पुलिस ऑफिसर के पास रखी रह गई, तो ये चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं कि पुलिस ऑफिसर उस एफआईआर में कुछ चेंजेस कर दे या उस एफआईआर को अपने हिसाब से मैन्युपुलेट कर दे। तो ये चीज़ को रोकने के लिए बोला ऑकरेंस रिपोर्ट बनाई जाती है और ऑकरेंस रिपोर्ट को जल्द से जल्द मैजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है। फिर दूसरा पर्पस होता है कि मैजिस्ट्रेट उस केस की फाइनली आगे जाके ट्रायल चलाने वाला है, तो उसे इनिशियल स्टेज से उस केस के फैक्ट्स एंड सरकमस्टेंसेस पता होने चाहिए। और लास्टली जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर देता है तो ये चीज़ का पता ऑकरेंस रिपोर्ट से ही मैजिस्ट्रेट को चलता है और मैजिस्ट्रेट तब जाके सेक्शन 159 की पावर्स यूज करके इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्शन दे देता है। सो गाइज, ये था ऑकरेंस रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट कि सेक्शन 157 के अंदर ऑकरेंस रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, फिर सेक्शन 158 में मैजिस्ट्रेट तक कैसे भेजी जाती है, फिर सेक्शन 159 में मैजिस्ट्रेट कौन सी पावर्स यूज करता है, और हमने ये भी देख लिया कि ऑकरेंस रिपोर्ट प्रैक्टिकली होती क्या है और किस पर्पस के लिए बनाई जाती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और आप के कुछ डाउट्स है, क्वेश्चंस है, तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में उसे पूछ लीजिए।